हेलो फ्रेंड्स, आपका शॉप किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक समर ड्रिंक बनाएंगे जो कि बहुत ही आसान है बनानी। आप देख सकते हैं एक का रंग थोड़ा डार्क है और एक का थोड़ा लाइट। ये जस्ट बिकॉज कि हमने दो टाइप की शुगर यूज करी है। आज हम बेल का शरबत बनाने वाले हैं। इसको इंग्लिश में वुड एप्पल भी कहते हैं। ये वही बेल है जिसके पत्ते हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, ये देखने में हरा लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है कि हरा बाहर से है तो अंदर से कच्चा होगा। ये आप तोड़कर ही क्रैक कर ही जज लगा सकते हैं कि अंदर से कैसा निकलेगा। कई बार खराब भी निकलता है। ये हमने इसके फ्लेश को निकालने के लिए इसे पॉइंटेड एजेस वाली चम्मच ली जिससे बड़े आसानी से निकल जाएगा। तो आप ऐसी कोई भी चम्मच ले लीजिए। मैंने हल्का सा इसको प्रेशर दे के क्रैक करा और ये दो भाग में टूट गया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा फ्लेश है, बहुत अच्छा साफ बेल निकला है। कहीं से काला नहीं है, खराब नहीं। कई बार बहुत बड़ी खराब भी निकलता है तो आपको उसको पूरे को नहीं हटाना, जो जो खराब है उस हिस्से को हटा देना है। अब हम अपनी चम्मच की पॉइंटेड चम्मच की सहायता से इसका सारा फ्लेश एक बोल में निकाल लेंगे। आसानी से निकल जाता है, थोड़ा रेशे होते हैं। आप देख सकते हैं काफी धागे धागे रेशे हैं इसमें, लेकिन चम्मच की सहायता थोड़ी पॉइंटेड है तो आसानी से सारा निकल रहा है। देखिए बहुत अच्छा फ्लेश निकला अंदर से हरा होने के बावजूद भी बाहर से। अब इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। देखिए बिल्कुल खाली हो चुका है। अब हम इसमें पीने का पानी डाल रहे हैं, बोल में अंदाजे से डाल रहे हैं और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे चम्मच से और ढक कर हम इसको 1-1.5 घंटा रख देंगे ताकि पानी नहीं फूल जाए। अब 1-1.5 घंटा हो चुका है। अब हम चम्मच की सहायता से इसकी जो बड़ी बड़ी बेल की गांठें हैं उसको तोड़ेंगे। आप हाथ का भी यूज कर सकते हैं लेकिन हाथ से क्या होता है, ज्यादा प्रेशर लग जाता है और इसके में बीज होते हैं बेल में, और बेल के बीजों में कसैलापन कड़वापन होता है और आप ज्यादा प्रेशर देंगे हाथ से तो बीज का जो कड़वापन है वो आपके शरबत में आ जाएगा। बस हल्के हाथ से हमने देखो हल्का हल्का ही मैश किया है और अब हम इसको छलनी में छान रहे हैं। हमने छलनी के नीचे एक बोल लगा दिया है और अच्छी तरह छानी। छलनी में भी बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना चम्मच से, नहीं तो फिर बीज का कसैलापन आ जाएगा हमारे शरबत में। सारा फाइनली हमने डाल दिया और अब हम इसको छान लेंगे। कितना अच्छा निकल गया हमारा, कितना अच्छा थिक थिक निकला है। फाइनली हम जो ये बीज है एक प्लेट में सारा इकट्ठा कर लिया है हमने बीज। अब इस बीजों को अगेन हम पीने के थोड़े से पानी में डालेंगे, जस्ट कि वेस्टेज ना हो। इसमें थोड़ा सा भी जो फ्लेश बचा हुआ है वो भी हम निकाल लें, सारा एक्सट्रैक्ट करना अच्छी तरह। ये देखिए फाइनली हम इसको एक बारी और छान देंगे हल्का सा प्रेशर देकर। बस अब हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे जो बीज और ये धागे धागे से बची हुए हैं। और एक बड़े बोल में हमने अपना डाला बेल का शरबत, थोड़ा सा पीने का पानी और डाल रहे हैं, अंदाजन 1 कप। अब हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे कि और पानी लगेगा नहीं लगेगा। बिल्कुल सही है, ना ज्यादा गाढ़ा है ना ज्यादा पतला है। अब हल्का सा मैं चख के देख ली हूँ कि कितनी मिठास इसमें है और कितनी और चाहिए। मैं 2 ग्लासेस में सर्व कर रही हूँ। आइस क्यूब डाल रही हूँ थोड़ी सी। आपको डालनी है तो आप डालिए, ऐसे भी शरबत बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको ठंडा अच्छा लगता है तो ठंडा पीजिए। ये देसी खांड है, ये बूरा नहीं है। आप इसकी जगह धागे वाली मिश्री को भी पाउडर करके यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी रहती है गर्मियों में, ठंडी होती है मिश्री। और ये गुड़ का पाउडर है, आजकल काफी ऑर्गेनिक ब्रांड में गुड़ का पाउडर मिलता है। तो एक में हमने गुड़ का पाउडर डाला और एक में हमने देसी खांड, हल्का सा काला नमक, ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ और थोड़ा सा नाम का सा 1-2 पिंच। आप ज्यादा भी डाल सकते हैं जैसा आपको पसंद है। आप पहले चख के देखिए कितना चाहिए आपको,
शुगर भी आप चख के देखना कितनी और चाहिए आपको। फाइनली ये रेडी है सर्व करने के लिए। आइस क्यूब और डाल सकते हैं आप। जो बचा हुआ इसको आप फ्रिज में रख के जब चाहे यूज करिए।